मॉर्निंग, और अभी फिलहाल में मैं एक जंगल में हूँ। अभी मैं ज़्यादा दूर नहीं हूँ, मैं अपने एरिया बोईसर से बस थोड़ी दूर, मतलब 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है खुत्ताड़ गांव। मैं जैसे अभी खुत्ताड़ गांव में हूँ, जो कि ये रास्ता सीधा जाता है शिगांव ऐना की ओर जाता है। तो मैं देख सकते हो मैं इस भूत खड़े जंगल में आया हूँ, और मात्र यहाँ पर 2 घर है। सोच सकते हो हमारे जो बंधु है, आदिवासी बंधु है, कितना स्ट्रगल करते हैं। एक इंग्लिश भाषा में बोलते स्ट्रगल। एक घर आपको सामने दिखाई दे रहा है और एक घर इस तरफ अंदर में है, ठीक है। जो से मेहनत करते आ रहे हैं और कभी भी हार नहीं माने, मतलब आज नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, आज से 5 साल पहले यहाँ कुछ और गंदा माहौल होगा। मीन्स इतना घना जंगल होगा कि अब मैं क्या बताऊँ। अभी तो फिलहाल समय के हिसाब से बदलाव हो गया है। थोड़ा फ्रंट कैमरे से व्यू दिखाता हूँ, वो भी ज़रा देखो ज़रा। आ चुका हूँ वापस, वहाँ से निकल के। ये रास्ता जो है बाबा नाका से चंद्रानगर की ओर जाता है, ये रास्ता चंद्रानगर गांव में ही है, ठीक है। और ये नहर जो दिख रही है आपको, एक टाइम था ये नहर के आसपास बोर का पेड़ लगा हुआ रहता था। तो मुझे याद है आज से करीब 15 साल पहले, जो एक रानी शिगांव का ही मेरा एक फ्रेंड था, उसके साथ हम लोग यहाँ पे बोर तोड़ने आया करते थे। और सबसे बड़ी बात कैसे मालूम है, ये सब का सब ना नहर पर ही आधारित है। ये जो पानी दिख रहा है, ये पानी जो है ना डैम का पानी है, कोई बरसाती पानी नहीं है। अभी क्या ऐसा खेती हो रहा है ना चावल की, और यहाँ पे चावल की फसल सबसे ज़्यादा होती है, और यहाँ पे साल में 2 बार चावल की फसल होती है। इस वजह से डैम के पानी पे ही सब कुछ आधारित है, क्योंकि कोई नदी नाला नहीं है, ठीक है। डैम का पानी आया है, और यह नहर जो है, आप गाँव के किसी भी कोने में जाओगे तो अभी आपको नहर का पानी हर जगह प्रोवाइड किया गया है, आ रहा है। तो हम जा रहे हैं फिलहाल में चंद्रानगर की ओर, वीडियो साथ बने रहो। नहर जा रही है, और नहर दिमाग कितना अच्छा लगाया गया है इस तरफ पानी लेने का, देख सकते हो। ये बहाने पानी जमा कर दिया जा रहा है, जैसे कि नीचे से एक पाइप डाल दिया गया है। नहर का पानी जो है, ये नहर का पानी पूरा इस खड्डे में आ रहा है, वही मैं सो ज़्यादा पानी यहाँ कैसे जमा हो रहा है, इस वजह से हो रहा है। और ये पगडंडी के सहारे ही सबका जीवन यापन होता है, और सालों साल लोग इसी पगडंडी के सहारे आते जाते, अपना सारा जो है जीवन का जो भी कार्यक्रम है सब इसी पगडंडी के सहारे ही सब करते हैं। और ये देख सकते हो फूल आया हुआ है खजूर का। चलिए हम निकलते हैं अपने रिक्शा की ओर, रिक्शा सामने खड़ी है, देख सकते हो आप। बस मैं ये चीज़ देखने आया था कि कौन सा टेक्निकल लगाया गया है, एक सिंपल सा टेक्निक लगाया गया है, और इससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है गांव वाले को। 3 बजे मैं निकला हूँ बोईसर के लिए, क्योंकि एक भाड़ा, मतलब भाड़ा बुरा, एक इमरजेंसी काम था, इसलिए बोईसर आया था मैं फिलहाल में। अभी मैं फाटक पर खड़ा हूँ, पेशेंट लेके बोईसर आया था मैं, और अभी फिलहाल मैं फाटक से घर की ओर जा रहा हूँ वापस में। और ये फास्ट गाड़ी निकल गई, फाटक पे खड़ा था हमारा जो मिलते हुए जाते, जरा एक जाते सुनते फाटक फटक से खुल गया था, और अभी गाड़ी क्रॉस हो रही थी। ये हमारा बोईसर, और ये दहीनगर जाने का रूट फाटक क्रॉस करके। तो सुबह में जल्दी उठ के गया था बोईसर पेशेंट को छोड़ने के लिए, उसके बाद अब सीधा हम आ चुके हैं पहाड़ी में, जैसा देख पा रहे हो। अभी फिलहाल मैं हूँ ऐना की तरफ हूँ, मैं ऐना में भाड़ा एक लेके आया हूँ मैं। तो भाड़ा कैसा है, जब जिधर का फ़ोन आ जाता है तो वहाँ घूम जाते हैं, क्योंकि गाड़ी है अपना तो कहीं भी घूम सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। एक भाड़ा और मेरे को वसई का भी आया हुआ था, वसई का भाड़ा था मेरा, और कंपनी का भाड़ा है मेरा, कंपनी का भाड़ा फिक्स है, तो उसे भी लेके जाना था, लेकिन उसको लेके नहीं गया। देखो पीछे का व्यू देखो ज़रा, कितना प्यारा खूबसूरत व्यू है। एक राउंड पूरा सर्कुलेशन करते देखो ज़रा, ऐसा व्यू सिर्फ आपको गांव खेड़े में मिलेगा, ठीक है। अब हमारे धनो देखो सज धस के खड़ी है। बात यहाँ पे क्या है मालूम है, सुबह सुबह मुझे मेरे भैया का फ़ोन आया, करीब 6 मिस कॉल था भैया का मेरा, और मैं क्या होता फ़ोन नहीं रिसीव कर पाया था, कि मेरा मोबाइल था साइलेंट। तो फिर एक इमरजेंसी पेशेंट था, उसे ड्रॉप किए, फिर मैं 4 बजे तक घर पे वापस चला आया, फिर सो गया, और सो के उठा 7:30 बजे, फिर कंपनी का फ़ोन आया, मैं मना कर दिया, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरा एक फ़ोन आ चुका था एक भाड़े का, इसलिए मैं मना कर दिया। तो ये फिलहाल में मैं तो खाना भी नहीं खाया हूँ, तो जाता हूँ फिलहाल मैं ऐना में, कुछ राइस वगैरह खाता हूँ तो कुछ पेट भरे, फिर आपसे मुलाकात करता हूँ। बन गया इसका जो टन का इलाका है ना, काफ़ी डेंजर है। विराज कंपनी जहाँ से शुरुआत हुई, पीछे एक गाड़ी देख सकते हो एक्सीडेंट हुआ है लास्ट में, दिखाता आपको जूम करके। एक मिनट देखो, वो ट्रक दिख रही होगी आपको, वो ट्रक है ना लास्ट में एक्सीडेंट हुआ है। ये लोकेशन पे अक्सर ना यहाँ पे एक्सीडेंट ज़्यादा होता है, ये साइड में भी
और ए साइड में अक्सर आपको हर एक दिन के बाद एक एक्सीडेंट देखने के लिए मिलेगा। और ये जो जोन है ना, काफ़ी डेंजर जोन है गाड़ियों के लिए, बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी सभी के लिए, आम आदमी के लिए भी ये डेंजर जोन है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है और हम कुछ नहीं बोल सकते कब क्या हो जाए, कुछ नहीं बोल सकते, हाँ, क्योंकि बहुत डेंजर जोन है। हम अभी 132 kVA पावर के नीचे खड़े हैं, दोनों तरफ से हमारे दोनों तरफ से भी 132 kVA पावर सप्लाई जा रही है। दिखाता हूँ, हमारी धनो यहाँ पे खड़ी है, पहले 132 kVA या और ज़्यादा भी हो सकता है, आइडिया का मेरे की 132 kVA होगा अंदाज, 1,32,000 ही होगा। और ए साइड के ऊपर कैसा है, सुअर पाला जाता है, ठीक है, ऐसे हमारे पास्ता में एक जगह पर है और मैं फिलहाल में एक लोकेशन पर हूँ, फिलहाल में यहाँ पर मेरे पीछे दिख रहा है वहाँ सुअर है, इतना साउंड आ रहा है, इतना साउंड आ रहा है कि मैं क्या बताऊँ आपको, मैं मतलब शायद भूख से लोग साउंड कर रहे हैं या फिर कुछ चीज़ मांगने के लिए कोई, उसकी उनका जो दाना पानी देने वाला है कुछ दे रहा होगा, इसके लिए चिल्ला रहे, पता नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा साउंड आ रहा है। वो पीछे जो घर दिख रहा है ना, वहाँ पर है, वहाँ सुअर पालन पोषण होता है, ये बॉम्बे साइड में काफ़ी सारे होटल्स में ये बनाए जाते हैं। ठीक, मैं पूरी चारों तरफ से पहाड़ में घिरा हुआ हूँ और मेरी गाड़ी सामने है, व्यू देख लो चारों तरफ का, चारों तरफ से पहाड़ में घिरा हुआ हूँ, पूरी तरह तुम पहाड़ के बीच में मैं हूँ फिलहाल में खड़ा हुआ, चारों तरफ से पहाड़ है, बीच में हम खड़े हैं वे, और कितना वातावरण शांत है ना, मैं क्या बताऊँ आपको, मैं वातावरण पूरी तरह एकदम शांत एकदम, और एकदम एक अलग ही गूंज आ रही है, जो पक्षियों की आवाज़ है ना वो अलग ही गूंज आ रही है। मेरी प्यारी धनु यहाँ पे खड़ी है और हम हैं फिलहाल में पहाड़े में। गुड मॉर्निंग, आज ही दूसरा दिन फिलहाल में, कल जब मैं पहाड़े से निकला उसके बाद सीधा मैं खाम के टाइम पे घर पे आ गया। घर पे आने से पहले सेलून में जाके आप देख सकते कुछ तो नया बदलाव, सेविंग वगैरह कर उड़ के फ्री हुआ और बच्चे लोग का भी बाल कट गया, वो भी काफ़ी दिन से पेंडिंग चल रहा था, 3-4 दिन से पेंडिंग चल रहा था, दोनों तीनों काम निपटा लिए, मैं भी सेविंग कर लिया, कैसा लुक है मुझे कमेंट करके बताना। और उस वीडियो की मैंने एंड कल कर नहीं पाया क्योंकि कल मैं वीडियो एक दूसरा अपलोड किया लेकिन ये वीडियो को कंप्लीट नहीं कर पाया और मुझे कंप्लीट कल ही करना था, कंप्लीट नहीं कर पाया। तो फिलहाल मैं अभी घर पे हूँ और बेड पे हूँ, तो बस ये छोटी सी वीडियो थी, वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा मुझे कमेंट करके बताओ, और वीडियो अच्छा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो जो शेयर करो, और फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फटाफट फॉलो भी कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय। और आज की वीडियो की शुरुआत हम फिर यहीं से करेंगे, और जो भी आपको देखने मिलेगा अगले वीडियो में तो वीडियो को प्यार दो, ठीक है, बाय बाय।